तो सो इवनिंग के 6 o'clock हो रहे हैं अभी, तो पूरे मुर्गियां अंदर मस्त एंजॉय कर रहे हैं, खा लेते हैं। आज देखिए इवनिंग के 6 o'clock हो रहे हैं ना, अभी तक 7 अंडे निकले हैं आज, तो कल देखेंगे कि कल कितने अंडे निकलेंगे टोटल। आपको कल की टॉपिक तो मालूम है ना, कल का वीडियो देखिए, डेली 37 मुर्गियां और 8 मुर्गों में कितने अंडे निकलेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्त। ये रिसर्च पे सीरीज चलते रहेगी, डेली 37 मुर्गियां प्लस 8 मुर्गों में कितने अंडे निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कितने अंडे निकले, 7x निकले, तो कल देखेंगे कि कितने। अभी नहीं देंगे, अभी 6 बज रहे हैं ना इवनिंग के, यहाँ से अभी नहीं देंगे, रात में तो मुर्गियाँ अंडे देने वाले नहीं है। इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं दोस्त, सभी को वेरी गुड इवनिंग। आज तो 4 ही अंडे निकले और कुछ मुर्गियाँ खुड़क बन गए, वो मुर्गियों को खुड़क छुड़ाएंगे आज। तो मुर्गियाँ भी देखिए कौन से, यहाँ पर कॉर्नर पे जो दिख रहे हैं आपको, जो पुकार रहे वहाँ पर कर्र जैसी आवाज़ निकाल रहे, वो दो मुर्गियाँ प्योर खुड़क हो गए, वहाँ पर पास जाए उसके, और वहाँ पर भी दो मुर्गियाँ बैठे देखिए, वो भी खुड़क बन गए। यानी 5:30 के करीब कोई भी मुर्गी अंडा देने के लिए नहीं बैठती है, 100 में 1 भी नहीं बोल सकते हैं कि 500 में 1 मुर्गी ऐसे रहती है, ताकि जो ज़्यादातर मुर्गियाँ रहते हैं कि 4 बजे से अंदर ही अंडे पूरे कंप्लीट कर देते हैं, मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके 4 बजे के अंदर ही अंडे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी ये टाइम पे मुर्गी उस तरह से बैठी है तो खुड़क हो गया ऐसा है, ये दो तो प्योर खुड़क है, इनके पास चल कर दिखाऊंगा मैं अभी। चलो यहाँ पर लकड़ियों का पार्टीशन है, तो ये देखिए अभी इतना पास जाएंगे तो भी नहीं उठ जा रहे, तो ये खुड़क है। चलो एक सेल्फी ले लेते हैं, मस्त है ना, थोड़ा सा बाल वगैरह सही कर कर, चलो ले लिया हूँ, बट डर तो लगा है, ताकि हाथ इस तरह से लेके जाऊँ तो बस बोल के भोंक देंगे ना, खून निकलेगा एक एक बार। तो ये देखिए कितनी घुसे लिए, पास से देखोगे एक बार, अब माँ भी कुछ नहीं करेंगे तुझे, वो दो मुर्गियों को भी देख लेंगे एक बार, अगर से इनका खुड़क नहीं हटाओगे ना, इसी तरह से हफ्ते हफ्ते बैठे रहेंगे। अभी जल्दी से खुड़क हटाएंगे इनका भी, पिछले वीडियो में पता है ना दोस्त आपको किस तरह से इनका खुड़क हटाते हैं कहकर, अभी हटाएंगे, ऑलरेडी पता होगा आपको, फिर भी हटाएंगे उन्हें। तो अभी देखिए ये प्योर खुड़क नहीं बने इनका, और एक दो अंडे बाकी है इनके, कल भी देगी वो अंडा, यानी लास्ट अंडा रहे, जो मुर्गियाँ इस तरह से जहाँ पर अंडा दिए वहीं पर बैठे रहेंगे, यानी कल अंडे निकलेंगे 2 अंडे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो वो मुर्गियाँ 3 दिन से उसी तरह से बैठे, अगर खुड़क नहीं हटाएंगे तो हम और भी बहुत दिन तक बैठे रहेंगे, तो जल्दी से खुड़क हटाएंगे उनका। उसके लिए मैं डब्बा ला लिया हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लास्टिक की शॉप में मिल जाएगा ये डब्बा, अभी मुर्गियों को लेना है, खुड़क हटाना है, हटाकर वो वाले पार्टीशन में छोड़ना है। अभी मैं खुड़क हटाऊंगा, कैसे हटाऊं, यहाँ पर रख दूं, मोबाइल दिखेगा आपको, चलो इस तरह से रख दूं, हाँ अभी तो दिख रहा है अच्छे से, मुर्गी पकड़ लूंगा अभी मैं। एक अंडा निकला है ये मुर्गी के नीचे, एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी 5 हो गए। दूसरी जो मुर्गी रहती है वो मुर्गी आकर इसके पास में अंडा देती होगी, इसका तो अंडा नहीं होता है ये गारंटी मालूम है, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा देख रहा हूँ मैं इसी तरह से यहीं पर बैठी है। तो अभी इसकी खुड़क छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर छेड़ेंगे तो गर्म रहेगा थोड़ा सा, तो ये पेट के हिस्से पर, ये बॉटल हटा दो ना, ये पेट के हिस्से पर स्प्रे करेंगे अभी, यहाँ पर देखिए इस तरह से, ठीक है करें, चलो रेडी, ज़्यादा नहीं भिगाना है आपको, इस तरह भिगाना है, आपका चेहरा और इसके पैर नजदीक नहीं रहना है, दूर पे रहना है, तो इसीलिए थोड़ा सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहता है। तो इस तरह से पिचकारी मारना है, स्प्रे करना है, लाल मिट्टी रहती है यहाँ की, इसीलिए लाल कितनी लाल हो गई है देखिए। तो इसको तो स्प्रे मार दिया हूँ, अभी इसे क्या करूँगा मैं, यहीं पर रखूँगा, और एक मुर्गी को भी स्प्रे मारना है, तो ये जाएगी या नहीं जाएगी देखेंगे, नहीं जाएगी मेरी, चलिए इसे भी ले लिया हूँ, दोनों को स्प्रे मारते, ये भी बहुत प्यारी सी है ना,
चलो इसको भी स्प्रे कर रहा हूँ इस तरह से। चलो स्प्रे हो गया है दो मुर्गियों को, अभी दो मुर्गियों को पकड़ लेते हैं। ये वाले दो मुर्गियों को ले लिया हूँ, अभी दूसरे पार्टीशन में, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ से दिखाऊंगा, ये अंडे के पास दो मुर्गियाँ बैठे हुए हैं दोस्त। अभी मैं क्या करूँगा, ये पार्टीशन इस तरह से, उधर जाली जो दिख रही है आपको, जाली के बाजू का और एक पार्टीशन है, वो पार्टीशन में डालना है इन्हें अभी, ताकि जगह चेंज होगी ना जल्दी से खुड़े खुड़ जाएंगे। तो चार दिन के नीचे जो वीडियो में अपन बताए थे कि तीन मुर्गियाँ खुड़े डालकर एक मुर्गा डाले थे वाइट वाला, तो वो मुर्गियों का तीन दिन में खुड़े छुड़ गया है, फिर वो वहाँ पर जाकर नहीं बैठे, थोड़ा सा वीडियो निकालना मिस हो गया है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये ओपन कर लिए, तो अभी इसे इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पर डाल दिए, इसमें एक मुर्गा छोड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या है दोस्त, एक बात और एक मेन इम्पॉर्टेंट है आपको जानकर रखनी है, वो प्रॉब्लम क्या है, ब्रीडिंग के लिए एक मुर्गा यहीं पर रख दीजिए, मतलब कि अभी यहाँ दो मुर्गियाँ छोड़े हैं ना, इनके साथ एक मुर्गा इसी तरह से हमेशा क्रॉस करने के लिए छोड़ देना है, क्रॉसिंग वाला मुर्गा। हम क्या कर रहे थे, वाइट वाला क्रॉसिंग बोथ कर रहा था, वो यंग था इसीलिए उसे लाकर छोड़े थे। जब वो क्रॉसिंग होगी के बाद मुर्गियाँ तीन दिन बाद जब बाहर छोड़ना था, मुर्गियों के साथ वो मुर्गी को भी छोड़ दिए, तो बाहर के जो बड़े वाले मुर्गे रहते हैं वो घातक भोग देकर उसके एक्सपायर कर दिए वो मुर्गे को। तो आपको क्या करना है, जब मुर्गा एक तीन चार दिन अलग रहता है ना, फिर वो आपस में मुर्गों के बड़े मुर्गों के पास जाएगा तो लड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जब अगर से आप नहीं देखोगे ना वो घातक भूख लेकर मृत्यु होगी उनकी। इसीलिए आपको हमेशा एक ये ध्यान रखना है कि ये मुर्गा अगर से लॉकर में मुर्गे को बाहर रिलीज कर रहे हो तो वो कहीं भोंक रहा है क्या, ये कंपलसरी देखना है। अगर से दूसरे मुर्गों से लड़ रहा है तो उसे लाकर अलग पोजीशन में रखना है दोस्त, कुछ दिन के लिए धीरे धीरे से छोड़ना है और अंदर रखना है, वो दिखाऊंगा अगले वीडियोस में, ताकि एक दो दिन में नहीं रहकर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो अभी तो दो मुर्गियों को यहाँ पर डाल दिए, इनका खुड़क कितने दिन में छोड़ेगा आपको रोज वीडियोस में पता चलेगा, आज तो 5 अंडे निकल गए, तो देखते हैं कल कितने निकलेंगे और कुछ मुर्गियाँ खुड़क बनेंगे क्या, कल देखेंगे, वो भी खुड़क हटाएंगे फिर। दोस्तों अभी एक टास्क दूंगा आपको, वो टास्क क्या है, टोटल आपके पास मान लो 37 मुर्गियाँ दे रहा हूँ आपको और 8 मुर्गे दे रहा हूँ, तो आपको एक 6 महीने का टाइम दूंगा, वो 6 महीने में क्या किस तरह से किस प्रोसेस के हिसाब से बिजनेस करोगे और कितना कमाओगे आफ्टर 6 मंथ्स के बाद। 6 महीने तक 1 रुपया भी नहीं पूछूंगा आपको, 6 महीने के बाद कितना कमाओगे आप, महीने का कितना कमाओगे और क्या प्रोसेस, मतलब बिजनेस का क्या प्रोसेस रहेगा आपको, किस तरह से कमाओगे ये बताना। कैसे बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बट ये फिक्स कर लेना है कि आपके दिमाग में अगर से आपके पास 37 हेंस है अंडे देने वाले मुर्गियाँ हैं, यानी 5 महीने के, 6 महीने के नीचे के नहीं दोस्त, 6 महीने के ऊपर के अंडे देने वाले बता रहा हूँ, अभी तो 6 महीने के नीचे के, 5 महीने के, 4 महीने के बहुत सारे हैं, बट मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, 37 मुर्गियाँ हैं और 8 मुर्गे हैं आपके पास, तो यहीं पर भी अंडे देने वाले उतने ही हैं, तो अभी 6 महीने दूंगा कितना कमाओगे इतने बर्ड्स से आप, और बर्ड्स लाने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने तक 1 रुपया भी ज़रूरत नहीं है मुझे, बस आप ये बताना, कल मैं बताऊंगा, मैं खुद बताऊंगा कि अगर से मेरे पास 37 हेंस मुर्गियां और 8 मुर्गों में किस तरह से मैं कितना कमाऊंगा, मैं आपकी जगह में मैं रहकर, आप सोचना कि किस तरह से कर कितना कमा सकते हो कहकर। और यहाँ पर और एक बैच भी पाल गए दोस्त, ये चूजोगे 21 डे आज चल रहा है सक्सेसफुली, 21 डे रन हो रहा है, अच्छे से ग्रोथ पे आए, काफ़ी मस्त है। तो अभी क्या करेंगे, इनको आज शाम में लसोटा बूस्टर वैक्सीन करना है, ये वैक्सीन का वीडियो, फुल वीडियो आपको अजमत पाशा व्लॉग्स चैनल पे मिल जाएगा, ताकि इनकी डे वन से ही ब्रूडिंग अजमत पाशा व्लॉग्स चैनल पे चल रही है दोस्त। अगर से जो भी भाई को नहीं पता है अपना वो चैनल, तो अजमत पाशा व्लॉग्स करके सर्च करोगे तो वो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी मेंशन कर दूंगा दोस्त। आज शाम में करना है, अभी तो 5:50 के करीब हो रहे, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्या रहेगा, कल कितने अंडे दे रहे हैं, कल कितने मुर्गियाँ खुड़क बने हैं,
दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में 5 अंडे निकले बताया था ना, पहले 4 उसके बाद 5, अभी बता रहा हूँ कि 7 अंडे निकले, क्योंकि वो सारे लोग है ना थोड़े 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 अंडे निकाल लिए, तो उसमें से एक अंडा फूट गया है। फोटो दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन चार्ट पे आपको, तो आज भी 7 अंडे निकले थे, पिछले दिन भी 7 अंडे निकले। और पूरी प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन में प्लानिंग से प्रोसेस के हिसाब से करेंगे ना तभी सक्सेस हो पाएंगे दोस्त। इसीलिए बहुत सारे लोग ये ओरिजिनल देसी बिजनेस नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन्हें वो प्रोसेस और वो प्लानिंग नहीं पता है, इसीलिए बहुत मुश्किल होती है। आपको ये ट्रेडिंग वाइज पे वीडियोस आएंगे, समझ जाओगे किस तरह से प्लानिंग करना है, प्रोसेस क्या होता है, ये सारी डिटेल से बताऊंगा। जो आज के निकले थे 7 अंडों में से 6 अंडे है दोस्त, एक फूट गया है ना, अभी 6 अंडे भी इंक्यूबेटर में डाल देंगे ताकि कल ही हम 200 अंडे कड़कनाथ के ओरिजिनल कड़कनाथ के डालें और लगभग 40 अंडे प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी के डालें। दोस्तों आपको क्लैरिटी से समझ में आने के लिए यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, देखिए टोटल 27 ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ हैं यहाँ पर अंडे देने वाले। 5 महीने के नहीं बता रहा हूँ मैं, 4 महीने के नहीं बता रहा हूँ, 6 महीने के ऊपर के जो मुर्गियाँ अंडे देने के लायक है वो मुर्गियाँ, और मुर्गे 7 मुर्गे, 8 मुर्गे थे, एक मुर्गा एक्सपायर हो गया है यानी लड़ाई की वजह से। अभी तो 27 मुर्गियाँ 7 मुर्गे, कल हमारे पास 7 अंडे निकले थे, आज भी 7 अंडे निकले, और आने वाले कल में कितने अंडे निकलेंगे ये भी आपको 26 डेट के कितने अंडे ये भी दिखा देंगे आपको। यहाँ से आपको एक चार्ट निकलेगा ताकि ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ कितने अंडे देते हैं ये जानकर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। मेरे अगले वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक ज़रूर मारना, आपका लाइक बहुत खुशी देती है। और आपके प्यारे से कॉमेंट्स नहीं आ रहे, क्या हो गया है? प्यारे प्यारे कॉमेंट्स बहुत सारे कर देते ना यार, करो जल्दी जल्दी।